सिवांश एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर प्रकार की बिस्लेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड वार्ड क्रमांक 3 खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के आर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। नमस्कार, मैं हूँ महेश पटेल और आप देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के माँ तुलजा भवानी माता मंदिर में धूमधाम से होली से पहले फाग उत्सव मनाया गया। खंडवा के माँ तुलजा भवानी माता मंदिर में माता रानी के दरबार में पिचकारी और रंगों से की गई सजावट, उसके बाद भोले बाबा को भंग से श्रृंगार किया गया। वहीं महाआरती के बाद धूमधाम से मनाया गया फाग उत्सव। फाग उत्सव में सभी शहरवासी हुए शामिल। हम आपको बता दें कि माँ तुलजा भवानी माता मंदिर में जमकर मनाया गया फाग उत्सव, उड़ाए रंगोल गुलाल। वहीं भोले बाबा के फाग उत्सव से पहले पंडित जी ने की महाआरती, भक्तों ने किए दर्शन, उसके बाद वहाँ पर रंग और गुलाल से मनाया गया फाग उत्सव। फाग उत्सव से पहले जमकर हुई महाआरती, उसके पहले माँ तुलजा भवानी माता मंदिर में माता रानी की आरती हुई, उसके बाद भोले बाबा की आरती। भोले बाबा को नोटों की माला भी पहनाई गई। पंडित जी ने बताया कि ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोले बाबा का फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें ढोल धमाकों के साथ महाआरती भी की गई। Yeah.
भोलेनाथ के मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर आज भाव उत्सव मनाया जा रहा है। सभी की मंगल कामना हेतु भगवान सभी की जिंदगी में इसी तरह रंग भरे, इसलिए मंदिर में भाव उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के चंदन केसर चंदन से पूजन अर्चन किया गया, उसके बाद सभी भक्तों के साथ में आज मंदिर में गुलाल आरती करके भाव उत्सव होली का शुभारम्भ किया गया। क्या क्या तैयारियाँ की गई थी, माता जी का किस तरह श्रृंगार किया गया, भोलेनाथ का कैसा श्रृंगार किया गया, आरती के पश्चात किस तरह से रंग गुलाल उड़ाए गए? भगवान का करीब 1.25 किलो भांग श्रृंगार किया गया, 10 क्विंटल गुलाल मंगाया गया था इंदौर से, और 10 क्विंटल गुलाब की फूल पंखुड़ियाँ जिससे भगवान की आरती की गई, पुष्प वर्षा की गई और गुलाल आरती की गई, और भांग का प्रसाद और सार्वजनिक जिंदगी का प्रसाद प्रसाद वितरण किया गया सभी भक्तों को। पुजारी गौरव सिंह चौहान, सिंधिया भवानी माता मंदिर, खंडवा। Thank you.
तुल्यानाथ मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर आज फाग उत्सव मनाया जा रहा है। सभी की मंगल कामना हेतु भगवान सभी की जिंदगी में इसी तरह रंग भरे, इसलिए मंदिर में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के चंदन केसर चंदन से पूजन अर्चन किया गया, उसके बाद सभी भक्तों के साथ में आज मंदिर में गुलाल आरती करके फाग उत्सव होली का शुभारंभ किया गया। क्या क्या तैयारियां की गई थी, माता जी का किस तरह श्रृंगार किया गया, भोलेनाथ का कैसा श्रृंगार किया गया, आरती के पश्चात किस तरह से रंग गुलाल उड़ाए गए? भगवान का करीब 1.25 किलो भांग श्रृंगार किया गया, 10 क्विंटल गुलाल मंगाया गया था इंदौर से, और 10 क्विंटल गुलाब की फूल पंखुड़ियाँ जिससे भगवान की आरती की गई, पुष्प वर्षा की गई और गुलाल आरती की गई, और भांग का प्रसाद और साबुदाने की खिचड़ी का प्रसाद प्रसाद वितरण किया गया सभी भक्तों को। पुजारी होरा सिंह चौहान, तुल्या भवानी माता मंदिर, खंडवा।